अभी हम है टाटा नगर जंक्शन पर और आज वंदे भारत पहली बार आ रही है टाटा नगर जंक्शन, तो उसका स्वागत के लिए देखिए काफी भीड़ लगा हुआ है, काफी टंच है। ये वंदे भारत ट्रेन आ गई है, ये जय हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। टाटा नगर की धरती बहुत सारे लोग हैं जो देखिए वंदे भारत को स्वागत करने के लिए पूजा का थाली लिए हुए हैं, आरती लिए हुए हैं। लोको पायलट साहब को देखिए बंसी से स्वागत किया जा रहा है, टीका उका चंदन उंदन लगाया जा रहा है और आगे में उधर ट्रेन की तरफ भी पूरा फूल का बरसात किया जा रहा है। तो ये जमशेदपुर के लिए काफ़ी बहुत बड़ा गौरव का क्षण है और इधर देख सकते हैं इधर भी काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए पुलिस वाले भाई साहब भी पूरा फोटो वोटो खिंचाने में लगे हुए हैं और इधर बाकी मीडिया है, बाकी जितना सोशल इन्फ्लुएंसर है सारा का सारा वंदे भारत कैप्चर करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए पुलिस वाले भैया साहब को, ये भी अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं वंदे भारत के सामने। मैक्सिमम आदमी जो आया है भाई ये समझिए वंदे भारत देखने के लिए आया है कि कैसा ट्रेन है। ये देखिए इसका इंटीरियर काफ़ी डायनेमिक दिख रहा है। ओह माय गॉड गाइस, अभी ट्रेन टाटा में आके खड़ी हो चुकी है और इसके बाद ये ट्रेन यहाँ के बाद डायरेक्ट ये खुल के जाएगी खड़गपुर रुकी, और रांची से जब खुली थी तो रांची मूरी उसके बाद पूर्णिया उसके बाद चांदी रुकी, उसके बाद टाटा में भी जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, बहुत सारा मंत्री लोग भी आए हुए हैं और उसके बाद उद्घाटन समारोह लगभग खत्म होने वाला है, उसके बाद यहाँ से ट्रेन अब रवाना होगा। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम वंदे भारत सफ़र का एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं। पहली बार हम वंदे भारत में चढ़े हैं और टाटा से हावड़ा तक जाएगी ये ट्रेन, पूरा का पूरा आपको कवर करके दिखाते चलेंगे। और ट्रेन का व्यू के साथ साथ बाहर का जो व्यू है, इसका जो विंडो है काफ़ी पारदर्शी है, बाहर तरफ जितना भी नज़ारा है आप उसका लुत्फ उठाते हुए चल सकते हैं। तो गाइस हमारी ट्रेन अभी टाटा नगर जंक्शन से खुल चुकी है और हम विंडो सीट का अपोजिट साइड में है, प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड में है। जैसे आपको देख सकते हैं अभी बारिश हुआ है इसलिए शीशा पे थोड़ा धुंधला धुंधला आपको बारिश टाइप का दिख रहा होगा। और ये टाटा नगर जंक्शन से खुलने के बाद अब खड़गपुर रुकेगी, पता नहीं बीच में रुकती है या नहीं रुकती है, लेकिन यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम की वजह से काफ़ी देरी तक ट्रेन को रोक के रखा गया। तो गाइस हमारी ट्रेन अभी टाटा नगर जंक्शन से खुल चुकी है, तो चलिए आप मेरे साथ सफर में बने रहिए, हम आपको खड़गपुर तक या हावड़ा तक आपको लेकर चलेंगे। साथ ही साथ आपको पूरा ट्रेन का फीचर्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या आपको सुविधा मिलती है, क्या क्या इस ट्रेन का खासियत है जिसके वजह से इतना चर्चा में यह ट्रेन रहता है, पूरा का पूरा आपको कवर करते चलेंगे। तो ये डोर जो है ऑटोमेटिक है, ये डोर आपको स्टेशन पर आने के बाद ऑटोमेटिक खुलती है और डिपार्चर होने से पहले आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यहाँ पर जो गेट से जैसे ही एंट्री कीजिएगा आपको दो ठो बाथरूम है, टॉयलेट है, एक में इंडियन स्टाइल है और दूसरा वेस्टर्न स्टाइल है, और बाकी इस तरह का आपको है ओपन करके मिलेगा। अंदर में भी आपको देखिए एक बेसिन है और आपको मिरर दिखेगा और ये फुल भी ऐसी है, उधर आपको एडी फ्री करके दिया हुआ है, इधर आपको टॉयलेट फ्रेशनर रहता है और एक इधर है, देखिए ये जो है आपका इंडियन स्टाइल में है, इंडियन स्टाइल मतलब आप समझ ही सकते हैं किस तरह का होगा, और ये है इधर, इसमें भी वही है सेम है, बेसिन है, टॉयलेट फ्रेशनर है और बाकी इधर देखिए कोई नहीं है। अरे
ये C4 कोच है, इसमें लगभग जमशेदपुर का सारा क्रिएटर्स और मीडिया वाले हैं और मीडिया से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ का माननीय सांसद विदु बरन महतो जी और यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं वो भी आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में जो डिस्प्ले है उसमें आपको स्पीड शो करता है कितना स्पीड है, और जो नेक्स्ट स्टॉपेज है उसको भी आपको ऊपर में शो कर रहा है, और लगभग 3 लैंग्वेज में कर रहा है, बंगाली है, हिंदी है और उसके बाद अंग्रेजी में। और एक वहाँ पर बड़ा सा LED स्क्रीन है, उस पर भी आपको लिख के बताया जा रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाली है और कहाँ से कहाँ तक जाएगी। और बाकी विंडो देख सकते हैं, पारदर्शी विंडो है, और आपका सामान रखने के लिए ऊपर में जैसे और सब ट्रेन में होता है उस तरह का है। बगल में एक इमरजेंसी स्टॉप है, बहुत ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी होता है तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और कृपया आपातकालीन स्थिति में ही लॉन्ग बटन दबा कर इसको पुश करना है, अन्यथा इसको कभी भी इसको दबाएं नहीं तो आपकी कार्रवाई होगा। और बाकी इसका इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर आपको इस तरह का दिखता है, दोनों तरफ विंडो जो है आपको पारदर्शी है विंडो है, बाकी आपका इस तरह का आपका इंटीरियर देखिएगा, थोड़ा अच्छा दिखता है, डायनेमिक कलर का है, और सीट आप लोग जानते ही हैं कि 360 डिग्री मूवेबल सीट है। चलिए आपका कुछ ऑडियंस है इसका रिव्यू दिलाते हैं, किस तरह से उसका एक्सपीरियंस है, पहली बार सफर कर रहा है या और कभी सफर किया है। चलिए सबसे पहले एक भाई मिले हैं, बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस है, पहली बार चढ़े हैं या और कभी चढ़े हैं? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, वैसे तो पूरी से हावड़ा हम चढ़ चुके हैं, इनॉग्रल जर्नी में पहले आ रहे हैं, और तो मस्त ट्रेन है, मस्त फील है। कहाँ से कहाँ गए? पूरी से हावड़ा गए थे, इनॉग्रल जर्नी मेरा पहला है। मस्त ट्रेन है, एक बार ट्राई करना चाहिए, फिर तो अपना है ही। कैसा लग रहा है आपको इस ट्रेन में सफर करके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मेरा फर्स्ट जर्नी है वंदे भारत में, इनॉग्रेशन रन में। जी जी, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, इसलिए आज यहाँ पर गाजा बाजा लगा हुआ है, बहुत खुशनुमा माहौल है, सुबह से स्टेशन में बहुत ही खुशनुमा माहौल रहा था, स्वागत के लिए बहुत सुस्वागतम, बहुत जबरदस्त है। आप लोग जमशेदपुर वाले को वंदे भारत? हम तो बहुत एक्साइटेड थे, पर मुझे लगता है कि स्टील का जो एग्जीक्यूटिव क्लास है और ये वंदे भारत लगभग सेम ही है, अगर कुछ टाइम का ही डिफरेंस है तो अगर एक कुछ जल्दी पहुंचा देती तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए स्टील बेस्ट रहेगी, अफोर्डेबल भी है, इसीलिए। गेट जो है ऑटोमेटिक है, अगर आपको खोलना है तो इसको यहाँ से ऐसे करके दबाना है, दबाने के बाद ये खुल जाएगी और उसके बाद आप बाहर निकल जाइएगा। और यहाँ पर देखिए जो गैंगवार प्लेट है, स्टील गैंगवार प्लेट है, और गाड़ी की तरह नहीं है कि थोड़ा ऊँचा नीचा रहता है, पूरा आपको प्लेन दिखेगा और दोनों तरफ से आपको लॉक दिखेगा। और ये देखिए ट्रेन का इनर साइड, और ये देखिए आपको आपातकालीन स्थिति में यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, शीशा तोड़ने के लिए, मान लीजिए जब कुछ उस तरह का प्रिय घटना घटता है तो आप खिड़की तोड़ने के लिए इसको आपको मारिएगा तो टूट जाएगा, उसके बाद निकालने के बाद शीशा पर मारना है, शीशा फट से टूट जाएगा, उसके बाद आप बाहर निकल जाएगा। बॉगी में लगभग सारा स्टूडेंट है, चलिए आपका स्टूडेंट से भी कुछ प्रतिक्रिया दिलवाएंगे, क्या वो लोग का एक्सपीरियंस रहा है घूमते घूमते, सबको फ्री पास दिया जाता है घूमने के लिए, सारा स्टूडेंट को लगभग टाटा से भी है, रांची से भी है, हर जगह से स्टूडेंट को अलाउ किया गया सफर करने के लिए। यहाँ के बाद देखिए इधर आपको, चलिए आपको ले चलते हैं लोको पायलट केबिन में। गाइस चलिए आपको वंदे भारत का लोको केबिन में लेके चलते हैं। तो ये रहा वंदे भारत का लोको केबिन, इसको लोको पायलट का ही केबिन और गार्ड का भी केबिन बोल सकते हैं, दोनों सेम है, गार्ड इसमें अलग से पहले बोगी होया करता था, वो अब सिस्टम नहीं है, इसी में लोको पायलट रहेगा और पीछे वाला इसी टाइप का इंजन में और गार्ड साथ ही रहेगा। लेफ्ट में लोको पायलट हैं और राइट में आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट है, यानी कि एक लोको पायलट होता है और एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, दोनों मिलजुल कर ही किसी भी ट्रेन को चलाते हैं। तो
चलिए फिर से इस बोगी में लगभग बहुत सारे आदमी जो है जमशेदपुर से ही हैं, तो कुछ जमशेदपुर के आदमी से फिर से उनका रिएक्शन जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है। मैं फिर से मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। गाइस अभी हम घाट किला में उतर गए, ट्रेन यहाँ पे ऐसा स्टॉपेज है नहीं, लेकिन इनॉग्रेशन की वजह से ट्रेन अभी लगभग सब जगह रुक रही है। ये वीडियो कहीं खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैक्सिमम आदमी घाट शिला में उतर गया भाई, टाटा का आदमी जितना है लगभग सब घाट शिला में उतर गया। जो रांची का है या जो और आगे तरफ से जो आ रहा है मुरी उरी से, वो लोग आगे हावड़ा तक जाएगा और इसी ट्रेन से लौटेगा वो लोग। अब देख सकते हैं यहाँ भी स्वागत के लिए पूरा टेंट प्लान बनाया गया है, आदमी आ रहा है यहाँ। यहाँ पे भी काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है जैसे टाटा में स्वागत किया गया था। और देख सकते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन खड़ी है। यही देखिए बाहर में जो डिस्प्ले है उसी पे सब कुछ लिखता रहता है, ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, ट्रेन का नंबर क्या है। अभी तो 0 लगा हुआ है क्योंकि अभी स्पेशल बंद क्या चल रही है, और C4 कोच यही है जिसमें हम बैठे हुए थे। और बाकी अंदर का माहौल काफ़ी ठीक ठाक है, फुल्ली ऐसी गाड़ी आपको मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम स्वागत के लिए इस तरह से बनाया गया है। यहाँ भी आदमी देखिए पूरा भीड़ है, पूरा हल्ला गुल्ला शोर मचा, ट्रेन साथ खुलने वाली भी है। महोदय आए हैं और इसलिए पूरा शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला। ये हाल है यहाँ का। अब देखिए खुलने वाली है ये ट्रेन घाटशिला से, घाटशिला से खुलने के बाद फिर और कहीं ना कहीं ये खड़ा हो जाएगी क्योंकि इनॉग्रेशन की वजह से हर जगह लगभग खुल रहा है। और देखिए इसमें सारा का सारा बच्चा है, सब सबको पास दिया गया है रेलवे की तरफ से। आज के दिन खाना पीना सब फ्री है भाई, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री। और गेट देखिएगा जैसे ही गाड़ी खोलना स्टार्ट होगी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। Thank you.